हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप कैसे हाईलाइट और ग्लोबल कलर एक साथ में कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिए, जिसके लिए हम लोगों ने, देख सकते हो आप, पांच सेक्शन में बालों को डिवाइड किया है। सामने की तरफ तीन सेक्शन हम लोगों ने लिए है और बैक की तरफ दो सेक्शन। तो ये जो हेजल गोल्ड कलर है वो हम ले रहे हैं अभी, गोदरेज कंपनी का हेजल गोल्ड डायरेक्ट कलर वाला कलर हम करने वाले हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल भी प्रीलाइटनिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मिक्सिंग रेशो एकदम सिंपल है, 1:1 का मिक्सिंग रेशो है। मतलब अगर समझ लो आपने 30 ml कलर टूब लिया तो 30 ml आपको डेवलपर लेना है। बाकी आपको आगे आगे मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि हम लोग कैसे एक अच्छा कलर आपके क्लाइंट को दे सकते हैं। उसके साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं 40 volume, सेम गोदरेज कंपनी का ही। तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जब भी हम ग्लोबल कलर करते हैं और हाईलाइट करते हैं तो वो साथ में कैसे करना है। तो इसलिए ये वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ कि आप लोग एक साथ दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हो, हाईलाइट और ग्लोबल, जो कि हम एक साथ करने वाले हैं। तो आपने देख लिया, मैंने 40 वॉल्यूम कलर लिया है और 40 ml मैंने डेवलपर लिया है। तो दोनों अच्छे से मिक्स करना है आप लोगों को, और एप्लीकेशन का एकदम नॉर्मल तरीका रहेगा। आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने मिक्स किया इसको, और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का भी टेक्निक एकदम ईजी रहने वाला है, तो आप ये वीडियो स्किप ना करिए। जो लोग नए हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग एजुकेशन थोड़ा प्रॉपर देने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग कर रहे हैं वीविंग टेक्निक। ये होता है वीविंग टेक्निक। तो हम छोटे छोटे स्मॉल वीव ले रहे हैं। बेसिकली स्मॉल वीव का मतलब होता है उसके साथ थोड़ा सा एयर टच दे रहे हैं कि जो भी छोटे बाल है वो निकल जाए उससे, और फिर हम लोग अच्छे से बालों में जो है फॉइल प्लेस कर सकें। तो आप देख सकते हो इसे थोड़ा बेबी लाइट जैसा हम लोगों ने लिया है, उसके साथ एयर टच किया है, और फॉइल को अच्छे से मरोड़ना है आपके टेलकॉम के साथ। इससे आपको टाइट होल्ड मिलता है, और उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है, और उसके नीचे आपको हाथ डालना है फॉइल के, और उसको अच्छे से मर्ज करना है। जो भी आपने पार्ट लिया है, जो भी आपने सेक्शन लिया है, उस हेयर के ऊपर प्रॉपर आपको इमल्सिफाई करना है। अगर आप प्रॉपर इमल्सिफिकेशन करोगे तो ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कहीं पे अच्छा इमल्सिफिकेशन करते हैं, कहीं पे नहीं करते, जिससे जो है आपका जो कलर है वो प्रॉपर नहीं आता है, कहीं पे आता है कहीं पे नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप ये कलर लगा रहे हो तो आपका जो इमल्सिफिकेशन है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम फॉइल को करेंगे अच्छे से टाइट बंद। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको बंद करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आगे का सेक्शन है उसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने पूरे बालों के ऊपर अच्छे से जो है फॉइल रैप किया, आप देख सकते हो। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो दूर से आते हैं मेरे पास, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक अच्छे से इसको निभाया, अच्छे से प्रैक्टिस किया बालों के ऊपर। आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट जो है मेरे वो सब काम कर रहे हैं, और ये हाईलाइट टेक्निक कैसे करनी है उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करके हम लोगों ने उनको टेक्निक दिया है कि आप कैसे अच्छा हाईलाइट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमने पीछे के दो पार्ट में पूरे हाईलाइट लगा लिए, उसके बाद आगे ईयर टू ईयर के सेक्शन में हम लोगों ने लिया, और लास्ट में हम लोग लगाएंगे बॉक्स सेक्शन जो भी सामने की तरफ होगा। तो बॉक्स सेक्शन में भी हम लोग प्रॉपर व्यू कर रहे हैं, आप देख सकते हो, और फिर वहाँ पे भी हम लोग फॉइल प्लेसिंग कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत दूर दूर से भी स्टूडेंट आते हैं, तो जिनको भी कोर्स करना होगा वो तो वो आ सकता है और ख़ुद को अपग्रेड कर सकता है और अच्छा सीख के यहाँ से जा सकता है। हम लोग लाइव मॉडल भी प्रोवाइड करते हैं, तो दूर से जो लेडीज़ आती है उनको भी रहना हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा एप्लीकेशन होने के बाद हम लोग ले रहे हैं 6.88, एक मोका रिफ्लेक्शन का एक कलर लेने वाले हैं हम लोग, आपको वो दिखाना चाहता हूँ मैं। 6.88 जो भी बचे हुए बाल है उसके ऊपर हम लोग इसका प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट आपको कैसे एप्लीकेशन करना है। तो इसका भी सिमिलर मिक्सिंग रेशो है, मिक्सिंग रेशो नहीं भूलना है आप लोगों को, 1:1 का मिक्सिंग रेशो रखेंगे, और उसको हम लगाएंगे लेंथ के ऊपर, जो भी बचे हुए हमारे हेयर्स है उसके ऊपर हम लोग लगाने वाले। तो इसका जो नंबर है 6.88, और उसके साथ थोड़ा सा हम 7G ऐड कर रहे हैं, मतलब 7 हल्का गोल्ड का टिंट है तो वो भी हम लोग ऐड करेंगे। तो थोड़ा हल्का सा कैरमल गोल्ड जैसा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि मोका मतलब ब्राउन और हम लोग गोल्ड फैमिली का कलर यूज़ कर रहे हैं।
तो इसका भी सेम हमने लिया है और उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे प्रॉपर डेवलपर। और डेवलपर कौन सा होगा, तो वो होगा 20 वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे और सेम मिक्सिंग रेशो रखेंगे। और हम लोग जो बचे हुए बाल है उसके ऊपर इसका प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे। तो गोदरेज के भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है, एक इंडियन कंपनी ने इतना खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया है कि आप कलरिंग करने की टेक्निक बहुत इजी और अच्छे दामों पे कर सकते हो, क्योंकि इनका जो प्राइस है कंपेयर टू द बाकी कंपनी थोड़ा कम है और ये कंपनी काफ़ी हद तक अच्छे ऑफर देती है। तो अगर आपको परचेज भी करना होगा तो आप कर सकते हो गोदरेज कंपनी का। और आप देख सकते हो हम लोगों ने फॉइल एक हाथ पे पकड़ लिया है और जो मेरे स्टूडेंट्स है वो अभी ग्लोबल का एप्लीकेशन कर रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हो पूरे स्टूडेंट ने ही किया है और होल्डिंग भी स्टूडेंट ही कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे एक फॉइल किया उसके बाद हम बीच के सेक्शन ले रहे हैं और एकदम अच्छे से सारे बालों के ऊपर ग्लोबल कलर का एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ग्लोबल का एप्लीकेशन, जैसे मैंने सेक्शन लिया प्रोडक्ट लगाया और सारे बालों को डैप डैप टेक्निक से हम लोग अच्छे से इमल्सिफाई करते हुए सारे बालों के ऊपर ऐसा ही प्रोडक्ट लगा लेंगे। तो दोस्तों फिर हम लोगों ने फटाफट जो भी बचे हुए हेयर थे उसके ऊपर 6.88 और 7G विथ 20 वॉल्यूम एप्लीकेशन किया और उसको अभी छोड़ेंगे हम 35 मिनट और उसके बाद वॉश करेंगे और फिर आपको इनका रिजल्ट में दिखाऊंगा कि इनके बालों के ऊपर हम लोगों ने कितना खूबसूरत रिजल्ट इनको दिया है और मेरे स्टूडेंट ने कैसा काम किया है वो आपको देखने मिलेगा। तो अच्छे से वॉश होने के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने मिलने वाला है। तो आपको वो रिजल्ट देख के कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, वो सारी चीज़ें आज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है तो ज़रूर मुझे बताना। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोगों ने जो कलर किया वो कितना खूबसूरत आया है। तो हेजल गोल्ड हम लोगों ने किया था इनके बालों के ऊपर, कॉपर टिंट है थोड़ा, उसके साथ हम लोगों ने ग्लोबल भी किया था। ऐसा रिजल्ट बहुत खूबसूरत इनके बालों पे आ गया है विदाउट ब्लीच हम लोगों ने किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे सिखाने की टेक्निक अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और जिनको एकेडमी ज्वाइन करनी है उनके लिए मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आके आप सारी चीज़ें सीख सकते हो और हमारे साथ आपके करियर को शुरुआत कर सकते हो। और हम लोग आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे आपको, आपको अच्छा एजुकेशन देने का हमारा प्रयास रहेगा। सो दोस्तों ये सारा वीडियो आपके लिए है, जो लोग नए हैं उनको सीखने के लिए है। तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते आ रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।